देखिए जो लड़कियां होती हैं महिलाएं होती हैं वो अपने जीवन में अलग अलग रोल प्ले करती हैं चाहे वो पर्सनल लाइफ हो या फिर प्रोफेशनल लाइफ हो अपनी हर एक रोल को बहुत अच्छे तरीके से निभाती हैं और चूंकि इंटरनेशनल वुमेंस डे दे पर देश ही नहीं दुनिया में बातें हो रही हैं तो मुझे लगा क्यों नहीं न्यूज़ रूम की अपनी फ़ीमेल कुरीक से मैं वुमेंस डे को लेकर बात करूँ कितना ख़ास है और किस खास तरीके से वो खुद के लिए कुछ करने वाली हैं या फिर उनके कोई ख़ास उनके लिए करने वाले हैं वुमेंस डे कैसा रहने वाला है बाकी दिन जैसा या कुछ अलग कुछ अलग कुछ अलग तो नहीं जैसे हम ऑफिस आ रहे हैं हम डेली ऑफिस आ रहे हैं और शाम को हो सकता है मैं और मेरी दोस्त यही सोच के पार्टी करें कि अब भी डे हैं तो हम उसको अपने तरीके से अच्छे से, से सेलिब्रेट करें और ये मैं कहना चाहूँगी आज के दिन कि विमेंस डे है बहुत स्पेशल तो है लेकिन होता है कि नारी को स्पेशल बनाते बनाते आप जो समानता वाला जो हक है वो नहीं देते या तो उसको महान बना देते हो या बहुत बहुत ज़्यादा कैजुअल बहुत ज़्यादा आम बनाते हो तो नारी और जो पुरुष है वो दोनों समान है तो सबसे पहली ज़रूरत है समाज को कि दोनों को साथ में लेके चले और उसको महान नहीं उसको इजाजत की नहीं परमिशन की नहीं साथ की जरूरत होती है बस एक बहुत अच्छी बात कह दी है कि जो महिलाएं हैं उन्हें इक्वल समझिए ना तो आप बहुत ज्यादा महान बनाइए और ना ही बिल्कुल आप नीचे ले जाइए बहुत कमतर मत आकीय श्रुति क्या प्लानिंग है वुमेंस डे की पहले ऑफ मिल जाए फिर वुमेंस डे सेलिब्रेट कर लेंगे नहीं वो ऑफ वो वो, वो वुमेंस डे ही क्या जिसमें तुम ऑफ ले लोगी और घर रहोगी काम भी करो एंजॉय भी करो अलग तरीके से मनाओ ये भी बात है घर बैठ के वैसे भी क्या मिल जाएगा काम जो सेटिस्फैक्शन देता है वो घर बैठ के वैसे भी नहीं मिलता है तो आज के दिन में जितना व्यूमे यू के लिए आगे बढ़ रही है उससे ज्यादा खुशी कुछ और देगा नहीं तो वुमेन्स डे सेलिब्रेशन यही है कि वर्क करते रहो आगे बढ़ते रहो खुश रहो सिंपल काम भी करते रहना है आगे भी बढ़ना है और हाँ ये बहुत अच्छी बात है कि महिलाओं को सबसे पहले आप अपने इक्वल समझिए अपने बराबरी का समझिए ऐसा नहीं है कि वुमेन है तो उन्हें अलग तरीके से ट्रीट करने की ज़रूरत है या उनके लिए कुछ अलग करने की ज़रूरत है अगर आप उन्हें समान अधिकार देंगे और समान मानेंगे यही उनके लिए सबसे बड़ा गिफ्ट होगा क्या खास वुमेन्स डे पर मैम uh, इस बार देखो वुमेंस डे ना एक दिन के लिए बट हम हर दिन मना रहे हैं और हमें ना ये दिखाना है कि वुमेन किसी चीज़ से पीछे नहीं है तो उस दिन कुछ खास नहीं उस दिन और स्पेशल वर्क होगा और हार्ड वर्क होगा कि अभी जो है ना उससे ज़्यादा करना है और उससे आगे बढ़ना है वुमेंस डे सिर्फ एक दिन के लिए मैं अपनी मम्मी के लिए बोलूँ ना अपनी मम्मी के लिए मैं एक सरप्राइज़ प्लान कर रही हूँ कि उनको बाहर में डिनर पे लेके जाऊँगी या लंच पे और उनके लिए उनके लिए बेस्ट डे बनाना है बस एक है ये बहुत अच्छी बात है कि और दिन से ज़्यादा काम करना है और ज़्यादा हार्ड वर्क करना है क्योंकि वुमेन होना कोई कमज़ोरी नहीं है ये ताकत है हमारी और ये वो ताकत है जिसमें आप घर का भी काम करते हैं बाहर का भी काम करते हैं वुमेंस डे पर ऑफिस भी आना है और काम भी करना है किस तरीके से वुमेंस डे सेलिब्रेट होगा मैम मैं बहुत सारे लोगों को ये बोलना चाहती हूँ कि आप स्टेटस ना लगाएँ ठीक गिफ्ट ना दें वुमेन्स डे दे के ही दिन वुमेंस डे ना मनाएं आप रोज़ स्त्रियों का सम्मान दें और रोज ही अपने माँ बहनों से अच्छे से बात करें वही है वुमेंस डे आप एक दिन दिखा एक दिन दिखाने से कि हम स्टेटस लगा देते हैं महंगी गिफ्ट्स ला देते हैं तो उससे रिस्पेक्ट थोड़ी ना बढ़ जाएगा आप रोज़ सम्मान करें रोज़ इज्जत से बात करें और जो माँ बाप कहते हैं उनको फॉलो करें देखिए अगर मेरी फीमेल कोलीग्स ये बात कह रही हैं कि आप रोजाना सम्मान दीजिए कोई एक दिन खास मत बनाइए हर दिन खास और आसान हो सकता है अगर आप अपनी फीमेल कोलीग्स को समान नजरिए से देखे तो आपके लिए ये दिन कैसे खास होगा मैम स्पेशल तो बनाना चाहिए क्योंकि जो हमारी मोम वगैरह होती है वो बेसिकली जो डेली लाइफ है सिर्फ उन्हीं में ही फँस के रह जाती है तो फिर हमको उन उनका एक डे तो स्पेशल बनाना चाहिए कि उनको स्पेशल फ़ील हो क्योंकि वही उनका किचन में घर के कामों में ही वो अटक के रह जाती है तो मैं तो स्पेशल बनाना चाहूँगी अपनी मम्मी का डे जो बेटियाँ होती हैं वो अपनी माओ के बहुत ज़्यादा दिल के करीब होती हैं और अपनी माओ के लिए कुछ करना चाहती हैं इधर भी कुछ निखिल है क्योंकि निखिल की आ, मुझे लगता है बहन भी होगी या गर्लफ्रेंड भी होगी वेमेंस डे पर कैसे अच्छा आप मत बताइए सोशल मीडिया पर आप कैसे देखते हैं वुमेंस डे को और क्या खास करेंगे मैम मुझे ऐसा लगता है कि वीमेंस डे दे डेली ही होता है हमें कोई स्पेसिफिक एक दिन नहीं चाहिए कि वुमेंस डे सेलिब्रेट करने के लिए और आज के डेट में तो वीमेंस तो ज्यादा ही स्ट्रोंग है मतलब हर चीज सहने की इमोशनली हो या फिर मेंटली हो तो वुमेन किसी भी फील्ड में पीछे नहीं है और जो लोग नीचे गिराते कह सकते हैं कि आगे हैं बिल्कुल मैम बिल्कुल मैम मैं। मैंने अपनी बहन को देखा मेरी बहन अपना घर छोड़ के पी एच डी करने गे तो ये भी बहुत बड़ी हिम्मत है उसके लिए कि घर से दूर रहना और जो मेरे कलीग्स से मैं इनको देखता हूँ चाहे इवनिंग हम लड़के हम कई बार मना करते थे या हम इवनिंग नहीं कर हम नाइट नहीं करके लेकिन Hats off है के लिए। अच्छा, जब जब लड़के ऐसे होते हैं और उनकी सोच ऐसी होती है तो मुझे बहुत ज्यादा प्राउड होता है उनकी माओ पर एक माँ ने जब इस परवरिश के साथ अपने बेटे को बड़ा किया है और ये बताया है कि वो अपने साथ की कोलीग्स की कैसे इज्जत करें या उनकी बहन है या साथ में काम करने वाली जो लड़कियाँ हैं उन्हें किस नजरिए से देखना है तो वो निखिल ने अच्छे तरीके से बता दिया आप कैसा महसूस करती हैं अपने कोलीग्स के साथ में और वुमेंस डे पर कुछ खास एक्सपेक्ट करें मैम uh, uh, इन सब के साथ तो अच्छा ही लगता है देखते हैं क्या कि कल uh, जो हमारे कुलीग्स हैं लड़के हैं वो हमारे लिए क्या खास करने वाले हैं और बाकी हम अपनी मम्मी के साथ मनाएंगे वुमेंस डे और कल महाशिवरात्रि भी है तो एक साथ मम्मी के साथ पूजा करेंगे और शाम को मम्मी की हेल्प करके और केक कटवाएंगे क्योंकि माए जो पूरा साल काम करती हैं बिना किसी ऑफ के बिना किसी लीव के तो जो बेटियां हैं वो माओ के लिए बहुत बेहतर तरीके से समझती हैं कि क्या उन्हें स्पेशल करना है अपनी माँ को स्पेशल फील कराने के लिए और आशीष दीक्षित भी हमारे साथ हैं हाल ही में इनकी शादी हुई है और अभी जब मैं लड़कियों के साथ बात कर रही थी तो ये पीछे से कह रहे थे भाई मैं भी अपनी वाइफ के लिए कुछ खास करना चाहता हूँ तो मैं भी अपनी वाइफ को मैसेज देना चाहता हूँ तो मुझसे भी बात की जाए तो आप पूछ लेते हैं आप क्या आप आप क्या करना चाहते हैं देखिए कहने के लिए बोलूं या जो एक्सपीरियंस रियल बोलिए दिल की फीलिंग देखिए चूंकि आज सात तारीख है सैलरी आई है तो आप मैं जैसे कह रहे हैं आप पूछ नहीं कि क्या करना चाहते हैं वीमेंस डे पे क्या अपनी वाइफ को अपनी सैलरी पूरी दे दिए खर्च करिए जो जो आप लोग लेना हो वो ले लीजिए यही मेरा गिफ्ट है यानी अपनी आई हुई लक्ष्मी अपनी ही लक्ष्मी को आपने दे बिल्कुल 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 यही बात है तो हर महीने आप ऐसा नहीं करते इसका मतलब हर महीने कुछ ज़रूरतें होती है कुछ चीजें होती हैं जिनको पहले निपटाना बहुत जरूरी होता है चूंकि ईयर एंड है कुछ थोड़ा थोड़ा पैसा जमा हुआ है तो मुझे लगा कि इस बार जो है वुमेन्स डे भी है आठ तारीख को और सैलरी भी आ चुकी है तो मैंने कहा उनको दे देते हैं अच्छे दिन आ गए हैं सैलरी भी आ गई है विभूति जी भी हमारे साथ में है तो वुमेन्स डे पर आप क्या खास करेंगे आपकी वाइफ के लिए या फिर अगर आपकी बेटी है दुर्भाग्य से मेरी बेटी इस दुनिया में नहीं रही थी बाईस बाईस दिन के बाद वो चली गई थी लेकिन वुमेंस जे के दिन निश्चित रूप से मैं चाहूँगा कि मैं आ, प्यारी प्यारी बात करूँ सारी महिलाओं से और सारी महिलाओं से नहीं अपनी वाइफ से कीजिए आप प्यारी प्यारी बात नहीं नहीं हर महिला का सम्मान जो है ना, वो बहुत ज़रूरी है तो प्यारी बात करने का मतलब वही है कि सम्मान है और ये मैं आपको वचन देता हूँ कि कोई अगर मुझे कुछ कटु बातें भी कहेंगी कोई भी तो मैं उनको बहुत प्यार से बहुत सम्मान से जवाब दूंगा उनको। आप खुद इतने प्यारे इंसान हैं, आपको कोई कटु बात नहीं कहेगा आप ऐसे ही मुस्कुराते रहिएगा तो जो मैंने न्यूज रूम के खुलीग्स हैं चाहे मेल हैं या फीमेल्स हैं बहुत से लोगों से मैंने बात की है अफसर भी यहाँ पर है अफसर अपनी वाइफ को लेकर क्या खास सोचा है वुमेंस डे पर कुछ सरप्राइज सोचा है देखते हैं सरप्राइज अभी रिवील नहीं करेंगे नहीं अभी नहीं वो तो उसी दिन होगा आशीष अच्छा, से कुछ सीखे उन्होंने पूरी सैलरी दे दी अपनी वाइफ को नहीं। नहीं। तो न्यूज रूम के कुलीक्स, जो कि डे की खास तैयारी कर रहे हैं आपने अपनी तैयारी क्या की है आपकी सोच क्या है कि आपके लिए सिर्फ एक दिन वुमेंस डे की खासियत है या फिर आप हर दिन तीन दिन इससे खास तरीके से अपनी जुड़ी हुई जो फीमेल्स हैं चाहे बहन है चाहे गर्लफ्रेंड है चाहे वाइफ है ये सभी हैं इनसे बात करते हैं क्या ऐसे कई सवाल मेरे जहन में थे जो मैंने अपने फीमेल और मेल कुलीग्स से पूछे हैं आपके जहन में कौन से ख्याल हैं और आपके मन में कौन सी बातें हैं आप जरूर बताइएगा लेकिन दूर बैठे हुए पशुपति जी मुझे दिख गए हैं और मैं उनसे बात करना चाहूंगी डे पर आपकी तो बेटी भी है आपकी खूबसूरत सी वाइफ भी है डे डे पर पर क्या खास देखिए जो मोदी जी जो कहते हैं कि महिलाएं ही सब कुछ कर रही हैं आगे बढ़ रही हैं और सारी कमान उन लोगों के हाथ में है तो जैसे यहाँ पर सारी कमान आपके हाथ में है अभी वैसे ही घर में हमारी सारी कमान, हमारे जो दो लोग हैं दो महिला सदस्य हैं उनके हाथ में है वही दोनों फैसला करती हैं हम लोग उनको फॉलो करते हैं सुबह सुबह चाय बना के उनको पिलाते हैं और शाम की चाय उनके हाथों से आपका कोई एक दिन विमेंस डे का नहीं है तीन सौ पैंसठ दिन विमेंस का समान तो बिना उनके चलेगा कैसे काम सुबह से लेकर शाम तक जो महिला मोर्चा जो है जिसने आप आपके घर को संभाला है आपके परिवार को संभाला है आपके समाज को संभाला है आपके देश को संभाला है उसका सम्मान नहीं करेंगे तो ये तो हमारी परंपरा में है महिलाओं का सम्मान महिलाओं को पूरी आजादी तो उसका पालन करना पड़ता है अच्छा जो व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हैं उन्हें बता दो पशुपति जी की बेटी भी बहुत प्यारी है वाइफ भी बहुत ज्यादा खूबसूरत है वैसे महिलाएं यूं भी होती बहुत खूबसूरत हैं तो वुमेन्स डे पर आपकी तैयारी क्या है कमेंट सेक्शन में आपके जवाब का इंतजार रहेगा और बाकी खबरों की अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए इस प्लेटफॉर्म पर नमस्कार